Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you will be fine in the best condition of health and iman. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से मुल्की हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और ऐसे हालात में दारे अकम स्कूल ने एक स्टेप उठाया है कि हमने आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का अहतमाम किया है और उसी के सिलसिले में मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप तीन काम कर लें। फर्स्ट, आप जो है वो चंदारे कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। उम्मीद है कि आपने ये काम पहले ही कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो अभी फ़ौरन से इसको कर लें। जज़ाकअल्लाह। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी असेसमेंट शीट की तरफ। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 लेक्चर नंबर 10। आज हम लेक्चर नंबर 10 का सॉल्विंग सेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको 6 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं जिनके डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं और इसमें से आपने राइट वन को सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड रेंज मीन्स। रेंज मीन्स, रेंज का क्या मतलब है? वास्ट ऑर्गेनिज्म, क्रीजर्स और नॉन ऑफिस। और रेंज मीन्स होता है धोना, अच्छे से इसका मीनिंग है वाश। ठीक है, नंबर 2, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट। उन्होंने पूछा कि ड्रेसिंग जो पट्टी है उसको चेंज करना है, कितनी बार चेंज करना चाहिए? एक दिन में, वीकली करना चाहिए, ट्वाइस अ डे करना चाहिए, डेली करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो उसको डेली जो है वो चेंज करना चाहिए। नंबर 3 ऑप्शन, ही वर्क्स केयरफुली। अंडरलाइन पार्ट इज केयरफुली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो केयरफुली जो है वो एडवर्ब है। नंबर 4, जब एक पॉज करते होते हैं। नंबर 4 एमसीक्यूज, आई होप टू लर्न जेरेंड्स। गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। हमने बताया कि ये जो सेंटेंस आई होप टू लर्न जेरेंड्स, ये किसकी एग्जांपल है? कि जेरेंड्स की एग्जांपल है, इन्फिनिटिव की है, सिमिली की है या प्रेपोजिशन की है? तो बेटा हम इसमें देखते हैं कि 2 के साथ जो फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, तो ये जो है वो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में आपको पता है कि 2 के साथ जो है वो आता है, उसमें फॉर्म ऑफ फर्स्ट लगती है। नंबर 5, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज। वर्ड माइटी का ऑपोजिट जो है मुतजाद क्या है? वीक, ग्रैंड या स्ट्रॉन्ग। माइटी मीन्स होता है मजबूत, तो इसका जो है ताकतवर, और यहाँ पे इसका जो है ऑपोजिट वो बनेगा वीक यानी कि कमजोर। नंबर 6, द एंटोनिम ऑफ पर्सिवियर इज। अगला हमारा एमसीक्यूज है, द सिनोनिम ऑफ पर्सिवियर इज। ये यहाँ पे बेटा सिनोनिम है हमारा, ठीक है, पर्सिवियर। यहाँ पे हम सिनोनिम लिखते हैं इसको, सिनोनिम ऑफ पर्सिवियर इज परसिस्ट। परसिवियर का मतलब भी होता है मुसलसल मुश्किल मिजाज से कोशिश करते जाना, और परसिस्ट का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कि जानते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स अल्फाज के जोड़े होते हैं, ठीक है, अब हम इनके सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहले आया है रेन, ई के साथ, आर ई आई एन, रेन, इसका मतलब है लगाम। द हॉर्स मैन पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स। हॉर्स मैन, घुड़सवार ने जो है वो घोड़े की लगामें खींची। रेन, बारिश, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। इसका कोई और सेंटेंस भी जो है वो बना सकते हैं। आपका सेंटेंस बेसिकली बेटा मीनिंगफुल होना चाहिए और ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। पीपल, लोग, पीपल ऑफ पाकिस्तान लव देयर कंट्री, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पीपल्स ये लोग ही है, लेकिन जब एक जगह पर डिफरेंट इलाकों के जमा होंगे रिप्रेजेंट या लोग, तब इसे हम इस्तेमाल करेंगे पीपल्स जमा में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। मीटिंग में जो है वो मुख्तलिफ जगह लोगों के नुमाइंदे मौजूद थे। नंबर 3 है मैरी, शादी करना। अली इज गोइंग टू मैरी नजमा, अली नजमा से शादी करने जा रहा है। मैरी, खुशी मनाना, दे आर मेकिंग मैरी, वो खुशियां मना रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। मेडल, तमगा, अली हैज वोन अ सिल्वर मेडल, यहाँ गोल्ड मेडल भी हो सकता है। मेडल, अली हैज वोन अ सिल्वर मेडल, तो यहाँ पे जो है वो गोल्ड मेडल भी हो सकता है। ठीक है, अली ने जो है वो चांदी का तमगा जीता। मेडल, मुदाखलत करना, डू नॉट मेडल विद अदर पीपल्स अफेयर, दूसरों लोगों के मामलात में मुदाखलत ना करें।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सभी सेंटेंसेस और इनकी मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकअल्लाह।